बनिपार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएनजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी सत्यनारायण के खिलाफ बनिपार थाने में श्री रत्ना अपार्टमेंट में फ्लैट का सौदा कर धोखाधड़ी पूर्वक 1 करोड़ रुपए हड़पने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित से 2 फ्लैट बेचने के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित से पहले रुपए लिए और फ्लैट का काम पूरा होने का दावा किया। आपको बता दें कि एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता के विरुद्ध बनिपार और जयपुर शहर के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 8 मुकदमों में अनुसंधान चल रहा है। करीब 8 मामलों में चल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई। कई थानों में उनके खिलाफ लगभग 15 मुकदमे दर्ज हैं। बनिपार थाने की पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। एसएनजी रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं गुप्ता। कई थानों में इनके खिलाफ लगभग 15 मुकदमे दर्ज है, जिनमें 8 मुकदमों पर इन पर अनुसंधान फिलहाल वहां पर चल रहा है। जयपुर के बनिपार थाने में वहां पर कार्रवाई की गई है। पीड़ित से लगभग करोड़ों की ठगी का ये मामला है वो सामने आया है। एसएनजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं गुप्ता। करीब 8 थानों में इनके खिलाफ जांच है वो चल रही है। कई थानों में इसके अलावा लगभग 15 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश कर रही थी, अपनी कार्रवाई कर रही थी। जयपुर के बनिपार थाने की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की है। सत्यनारायण गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। एसएनजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के ये डायरेक्टर हैं। लगभग 1 करोड़ की ठगी के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने श्री रत्ना अपार्टमेंट में फ्लैट देने के नाम पर ठगी की है। आपको फिर बता दें कि श्री रत्ना अपार्टमेंट में फ्लैट देने के नाम पर इन्होंने ठगी की है। और इसके खिलाफ बनिपार पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। सत्यनारायण गुप्ता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको फिर बता दें कि वो एसएनजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। करीब 8 मामलों में उनके खिलाफ जांच चल रही है और लगभग 15 थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। श्री रत्ना अपार्टमेंट में फ्लैट देने के नाम पर उन्होंने धोखाधड़ी की है और लगभग 1 करोड़ की ठगी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक करोड़ की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, लगभग 1 करोड़ की राशि का उन्होंने ठगी का काम किया है, जिसमें बनिपार थाना पुलिस ने लगातार अपनी कार्रवाई की है। एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। आपको फिर से बता दें कि वो एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं और उन्होंने श्री रत्ना अपार्टमेंट में फ्लैट देने के नाम पर लोगों से ठगी की है और उनके खिलाफ 8 थानों में फिलहाल जांच चल रही है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यादविंद्र। यादविंद्र, बताएं कि एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर को आखिर गिरफ्तार किया गया है और 15 थानों में फिलहाल मामला दर्ज है और 8 पर अभी कार्रवाई चल रही है। हाँ बिल्कुल रौनक, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बनिपार थाना पुलिस ने यहाँ पर की है, क्योंकि काफी समय से जो पूरा मामला था वो लंबित चल रहा था। मैं आपको बता दूं रौनक की ये जो एसएनजी ग्रुप के जो मालिक हैं ये सत्यनारायण गुप्ता, इनके खिलाफ जयपुर शहर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो थाने हैं उनमें यहाँ पर धोखाधड़ी और ठगी के जो मामले वो चल रहे हैं। बनिपार थाने में भी यहाँ पर जो विमल अग्रवाल है उन्होंने यहाँ पर मामला दर्ज कराया था, क्योंकि जो टोंक रोड पे रहते हैं उनके साथ भी जो सत्यनारायण गुप्ता है उन्होंने ठगी की थी, क्योंकि पीतल फैक्ट्री के पास रत्ना अपार्टमेंट है जो प्रोजेक्ट था वो चल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर जो आरोपी सत्यनारायण गुप्ता उन्होंने यहाँ पर पीड़ित को यहाँ पर धोखा दिया कि वो इसके अंदर करीब 1.5 लाख रुपए के उन्होंने करीब फ्लैट लिए थे और उसमें से जो उनका 95% जो अमाउंट था वो यहाँ पर ले लिया था, जिसमें उन्होंने 1,15,000 रुपए का जो अमाउंट था
वो यहाँ पर सत्यनारायण गुप्ता को दे दिया था और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और दो फ्लैट यहाँ पर खरीदे थे। क्योंकि पूरे मामले पर यहाँ पर देखें तो इसमें रजिस्ट्री नहीं कराई थी यहाँ पर जो आरोपी सत्यनारायण गुप्ता ने, तो उसके बाद जब और ये झांसा दिया कि इसका जो निर्धारित समय पे काम पूरा कर दिया जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं वो इसका जो 1 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट किया है फ्लैट के नाम पर पे, उसका कहीं ना कहीं 15% मुनाफा वो हर महीने उन्होंने देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ना तो मुनाफा दिया और उसके बाद जब निर्धारित समय पूरा हो गया तो उसमें ना तो उन्होंने फ्लैट बेचा ना कुछ किया। जब यहाँ पर पीड़ित जब सत्यनारायण गुप्ता के पास पहुंचा तो उन्होंने पूरे फ्लैट की यहाँ पर कोई रजिस्ट्री नहीं कराई और जब जबकि सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब सत्यनारायण गुप्ता से जब यहाँ पूरे मामले की यहाँ पर जो पीड़ित है उसने जांच की तो पता चला यहाँ पर सत्यनारायण गुप्ता ने इस दोनों फ्लैटों को पहले से ही यहाँ पर रिको को सुपुर्द कर रखा था और उसको गिरवी रख रखा था और रिको से भी यहाँ पर उसने लोन उठा रखा था। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी धोखाधड़ी यहाँ पर सामने आई है। बात की जाए तो पीड़ित ने क्या इसको जब रुपए वहां पर दिए थे तो क्या कुछ छानबीन उन्होंने नहीं की थी? देखिए पूरा जो मामला था वो इकरारनामे पे हुआ था यहाँ पर पूरा लेन देन का जो विवाद था पूरा इकरारनामे पे हुआ था यहाँ पर। और जब यहाँ पर क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट निर्माणधीन था तो यहाँ पर पीड़ित को पता नहीं चल पाया कि वाकई में क्या यहाँ पर इस जो आरोपी सत्यनारायण गुप्ता है एसएनजी ग्रुप के जो डायरेक्टर है उन्होंने कहीं इसको लोन ले रखा है गिरवी रख करके, ये कहीं इनको जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी है उन्होंने पीड़ित को यहाँ पर झांसा दिया था कि 2017 के अंदर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2 साल लग गए इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। जब समय बीत गया उसके बाद पीड़ित यहाँ पर थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन रौनक मैं आपको बता दूं बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर जब पीड़ित थाने जाता है तो वहां पर उसका मामला दर्ज नहीं किया जाता। बनीपाल थाने ने यहाँ पर रसूखात के चलते मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद जो पीड़ित था उसने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट की शरण के बाद यहाँ पर जो कोर्ट ने इस्तगासे के जरिए यहाँ पर बनीपाल थाने एक बात और की जाए कि लगभग 15 मुकदमे दर्ज है और फिलहाल 8 पर ही अभी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन बाकी के मामलों पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए रौनक मैं बता दूं जिन मामले आरोपी खिलाफ जिन थानों में मामला दर्ज करा उनमें से आधे से ज्यादा जो मामले हैं उनमें यहाँ पर एफआईआर लगा दी गई है। बनीपार थाने में भी इसके अलावा 4-5 मुकदमे आए थे उनमें से 2 में यहाँ पर पुलिस ने जो एफआईआर लगा दी थी। क्योंकि साफ तौर पर नजर आता है कि यहाँ पर पीड़ित ने आरोपी ने ठगी की है कई लोगों के साथ, फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करी है और उनसे पैसा ले लिया है। तो ये तमाम जो मामले हैं यहाँ पर इनके सब जांच का विषय है, लेकिन देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो रसूखात का जो वो यहाँ पर जो चीज वो देखने को मिली है रसूखात के चलते यहाँ पर पुलिस जो लगातार कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब कोर्ट के आदेश आए उसके बाद यहाँ पर मामला दर्ज हुआ उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की। यदि आपने बताया कि रसूखदारों के चलते बनीपाल थाने की पुलिस भी पीड़ित को चक्कर कटवा रही थी, तो आपने इसको लेकर किसी अधिकारी से बात की कि आखिर पुलिस थाने में ऐसा क्यों हो रहा है जब पुलिस कहती है कि उनका विश्वास जनता के साथ में, जनता और वो दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन जब पुलिस ही इस तरह की काम करेगी तो क्या जनता उन पर विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल यही एक बड़ी बात है और यही एक जांच का विषय है कि पीड़ित यहाँ पर चक्कर लगाता है थाने के न्याय की गुहार लेकर के आता है, लेकिन यहाँ पर उसको न्याय मिलने की बजाय उसको टरका दिया जाता है बार बार। रसूखात की जो हम बात कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर कई 8 मामले जब दर्ज हुए तो उनमें से 3-4 मामलों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर लगा दी गई। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। इसी के चलते यहाँ पर जो पीड़ित था कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट की शरण में जाने के बाद ये मामला दर्ज हुआ और उसके बाद यहाँ पर एक मामले में यहाँ पर जो एसएनजी के जो डायरेक्टर है सत्यनारायण गुप्ता उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कि ये मामला काफी लंबे समय से लंबित चल रहा था, लेकिन उसके बाद लंबे समय बाद यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। ये पहला कोई मामला नहीं है रौनक, इससे पहले भी बनीपार थाने पर यहाँ पर सवाल उठते रहे क्योंकि जमीनों से जुड़े काफी मामले आते हैं यहाँ पर और यही चीज आज देखने को मिली है। लेकिन इन सब चीजों में जांच का विषय है कि पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं करी उन मामलों में क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी डीसीपी जो विकास कुमार उनसे बातचीत हुई है जो पुराने जो मामले थे जिनमें एफआईआर लगा दी गई थी उनको भी यहाँ पर खोला जाएगा, उनको परखा जाएगा, जांच परखा जाएगा आखिरकार उन मामलों में किस तरीके से यहाँ पर एफआईआर लगाई गई है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट की शरण में जाने के बाद में इस कार्रवाई के ऊपर आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की है उस पर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस ने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की।